वो यहाँ भर्ती कर दी कैंप में, और यहाँ आने के बाद में उनका ऑपरेशन बोल दिया, चेकअप करे, ऑपरेशन बोल दिया, फिर उसके पैसे लिए उन्होंने वैसे अलग से, मतलब जो कैंप में नहीं होते हैं, कही के 3,000 रुपये ऑपरेशन हो जाएगा, रुपये लिए 25,000 रुपये लिए उसके ऑपरेशन के। फिर मैं आया तो मैंने उनसे पूछा, ना ये ठीक है मरीज तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने कहा दूसरा ऑपरेशन होगा, रात को 1 बजे बोला कि अभी तुरंत पैसे जमा करो और अभी ब्लड दो, यानी तुम्हारा मरीज नहीं बचने का। तो यहाँ एक लड़की थी, उनकी बेटी रुखसार नाम की, उनने फ़ोन करा गाँव को कि मतलब चाचा ये तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैंने जब ही मतलब पैसे भेजे और जब ही ब्लड दिया, ऑपरेशन हुआ फिर उसका सुबह को 9 बजे। जब 9 बजे ऑपरेशन हुआ तो मतलब वे उन्होंने निकाली तकरीबन कुछ 2 बजे ऑपरेशन थिएटर में। एक बार दिखा के फिर दवाई मंगाते रहे, 3 बार दवाई मंगाई, एक दफ़ा 7500 की, एक दफ़ा 1800 की, एक दफ़ा 2200 की। मरीज के धोरे नहीं जाने दिए, गेट से पहले दवा ले ले गए, हम कहे तुम्हारा मरीज ठीक है। शाम को तकरीबन कोई 9 बजे के करीब मतलब उस लड़की ने फ़ोन करा मुझे कि चाचा ये तो दिखा नहीं रहे हैं और मुझे तो अच्छा लग रहा, मेरी अम्मी तो ख़त्म हो गई, मगर तो मैं आ रहा हूँ। वहाँ से 10-20 लोग आए वारसी से, और यहाँ जो कहा सुना तो उन्होंने जब कहा कि मतलब तुम्हारे मरीज की डेथ की, जब मैंने देखा मरीज मरने के बाद भी दवाई मंगाई उन्होंने 3 बार, क्या कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई ये हो रही है कि इनके खिलाफ FIR कर। मेरे को ये सूचना मिली थी कि ये घटना घटी है, तो मैंने एक टीम गठित करके वहाँ भेजी हुई है। टीम ने बताया कि वो ओवेरियन सिस्ट का केस था और काफ़ी बड़ा सिस्ट था, जिसका ऑपरेशन 23 तारीख में इसको भर्ती किया गया था ऑपरेशन के लिए, और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें जो परिवार वालों का आरोप है कि इसको हमें समय से नहीं बताया कि मर्त हो गई है, और उसके बाद भी कुछ दवाइयाँ मंगाई गई हैं, तो इसके लिए क्या समय डेथ का है और कब दवाई मंगाई है ये पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकता है। अगर ऐसा पाया जाता तो अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? वो तो कानून कार्रवाई जो निर्धारित है होनी है, उसमें तो कोई दो बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू।